बठिंडा शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी वीनू गोयल की ओर से वृद्धाश्रम में पहुंचकर दांतों का निशुल्क चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें वृद्धाश्रम में रहकर बुजुर्ग जिन्हें दांतों संबंधी समस्या थी उनकी निशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयां दी गई। इस दौरान सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश गर्ग, संदीप कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। वीनू गोयल जी बठिंडा तो और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और बड़ा ही साडा सौभाग्य भरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के जड़ा है 15 पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा जिन्हों असं कहने तो वह प्रोग्राम उलीकया गया मानजो साढ़े राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के दिशा निर्देशों अश्विनी शर्मा जी जो साढ़े पंजाब के अध्यक्ष ने बहुत ही मानजोग सत्कारयोग तो असी सारे ही कार्यकर्ता इस काम च लगे हुए हैं क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर तो लैके मोदी जी के जन्मदिन तो लैके 2 अक्टूबर गांधी जयंती यानी कि साढ़े महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके तो लैके सारे 15 दिन लगातार सेवा नूं समर्पित रहने दिन और समर्पित जाएंगे। पहले दिन सब ने रक्तदान शिविर लगाया कार्यकर्तावान ने और भारी उत्साह से और बहुत ही अच्छे यूनिट के जो रक्तदान किया गया। अज दूसरा दिन है जोड़ा और सेहत जांच कैंप है साडा जगह जगह पर लगाए जाएंगे कार्यकर्ता वाला। श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले के सफलतापूर्वक संपन्न होने को लेकर श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट व चड्डा बिरादरी तथा बाबा सोडल जी के भक्तों की तरफ से भजन संकीर्तन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मेला संपन्न होने पर भी भक्तों ने रविवार को परिवार सहित माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक से करण शर्मा, पार्षद रीटा शर्मा, हैप्पी स्टीलमैन, श्री चिंतपूर्णी मंदिर से जवाहर सहगल, एडवोकेट अनिल पाठक, रोहित कालिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट व चड्डा बिरादरी को मेले के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बधाई दी तथा लगाए गए भंडारे की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर महिला संकीर्तन मंडली की ओर से पार्षद रीटा शर्मा, सुनीता बाबा, प्रोमिला चड्डा ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर सभी भक्तों को झूमने पर विवश किया। लगाए गए भंडारे के दौरान श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के महासचिव सुरेंद्र चड्डा, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान एवं पार्षद विपन चड्डा बब्बी, महासचिव संजय चड्डा ने आए हुए मुख्य अतिथि एवं अतिथियों को बाबा जी का स्वरूप एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान बाबा सोडल मेले में अपना सहयोग देने वाले बालाजी मित्र मंडल के प्रिंस चड्डा व सभी टीम के सदस्यों को बाबा जी का सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गणेश चड्डा, रमन शर्मा, भूषण कोहली, राजेश चड्डा, राजन शारदा, उमेश चड्डा, विनोद चड्डा, योगेश चड्डा, नरेश चड्डा, आदर्श चड्डा, काला चड्डा सहित असंख्य बाबा जी के भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। भगवती सेवा संघ की तरफ से
न्यू जवाहर नगर पार्क में माता की चौकी का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक पुनीत खुराना एंड पार्टी दिल्ली वालों ने अपने मधुर भेंटों से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता की चौकी में गायक पुनीत के मनमोहक भजनों की त्रिवेणी प्रवाहित से अपार भक्तों का जन समूह झूम उठा। इससे पहले इस माता की चौकी की शुरुआत महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी ने भजनों के माध्यम से की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर, जबकि पार्षद जसलीन कौर सेठी, उद्योगपति सुरेंद्र विज, उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल, क्रीमिका आइसक्रीम से अशोक भंडारी, जालंधर ज्वेलर्स के मालिक अश्विनी चड्डा, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, अजय लाली ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राकेश सब्रवाल, राजेंद्र सहगल, राजेश नैयर, अनिल अग्रवाल, मुनीश पुरी, पुनीत पुरी, अशोक अग्रवाल, निशांत अग्रवाल, मिंकू पुरी, रिंकू पुरी, सुरेंद्र सहगल, अश्विनी चड्डा, महेश लूथर, वंदना सहगल, किरण अग्रवाल, सोनाक्षी नैयर, सुनीता सहगल, भारती पुरी, सोनिया पुरी, प्रवीण लूथर, कविता लूथर सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में लंगर भी लगाया गया। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्रेम से बोलो सारे, बोलो मिलके बोलो, हाँ क्योंकि कुछ लोग बारी बारी जावा, सभी भी जो रही ना बारी बारी जावा, ओ खुले खुले दर्श दिखाने वाली तेरी रहमता तो बारी बारी जावा, तेरी रहमता तो वारी वारी जावा, तेरी रहमता
पक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के उद्धार हेतु नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में करवाए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को कहा कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही जीवन के सभी पितृदोष समाप्त होकर जीवन का कल्याण होता है। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, युवा भाजपा नेता अक्षय जम्मू, युवा भाजपा नेता हिमांशु शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरिकांत झा, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र, संजय चड्डा, पंडित मायाराम, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, जीवन शर्मा, रोशनलाल, बीपी सिंह, राहुल शर्मा, हरनूर सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह भाटिया, रितु शर्मा, मीनू मल्होत्रा, सावित्री देवी, वीना देवी, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कोच्छड़, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश राजन, अश्वनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर राम गली सैदा गेट जालंधर में अरोड़ा एवं मदान परिवार की ओर से कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर संकीर्तन मंडली की ओर से संकीर्तन किया गया। इस मौके पर इंदु, कौशल्या, शोभा, सोनम, कमलेश, डोली, रानी सरीन, नीरू, आरती, हीना, आशा रानी, नीतू, रुचि, नेहा, दीक्षा, गीतू, पुष्पा, काव्या, तनिषा, कशिका भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान दीपक सूरी, बबीता सूरी, पलक सूरी ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती लक्ष्य कृष्णा ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद भी किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्या, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, ऋषु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज हमारे बहुत ही सम्माननीय छोटे भाई दीपक सूरी जी अपनी बेटी के संगाई की है, उसके पक्ष में जो है पूरे परिवार में यहाँ बैठक की जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रम यज्ञ को पूर्ण किया है उन्होंने, और प्रार्थना की परमात्मा से आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर
इनका जी और बेटी पालक का भविष्य जो आने वाला इनका व्यस्त जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, बहुत सुंदर है। ये लाड प्यार से बड़ी बेटी हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी बेटी हंसे, क्योंकि ये तो माता सीता भी ससुराल में कौन नहीं है। हर किसी ने अपने जो बेटी है ना दूसरे परिवार में करते हैं, ये सृष्टि करनी है। तो आज का जो दीपक सूर्य जी एक बहुत बड़े हमारे समाज के, इनका सरल स्वभाव दीपक जी का, ये पूरे परिवार का, इनके अंदर इतनी सेवा भावना है और दान के लिए हमेशा कहीं भी कोई काम हो रोज ही खुलों के पास है, क्योंकि जो दान भी होते हैं ना उनके पास ही दान लेने लग जाते हैं। ऐसी योग्यता के मालिक दीपक सूर्य जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर पुलिस ने काला बकरा में महिला की हत्या के मामले को सुलझाया, एक आरोपी को किया काबू। फरीदकोट में 12वीं सदी के महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी के आगमन पर्व का हुआ आगाज, एथलेटिक्स मीट का किया गया आयोजन। बठिंडा के कोतवाली एरिया में कुछ दिन पहले विद्यार्थियों से मारपीट कर घायल करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया काबू, तेजधार हथियार किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।